हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन बंसल, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम होममेड पनीर बनाएंगे। वैसे तो पनीर बाजार में बड़ी आसानी से मिल सकता है, लेकिन इसको घर पर भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ये देखते हैं कैसे बनाते हैं पनीर। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया। विनेगर की जगह आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस, दूध को बॉयल होने तक गर्म करेंगे। गैस ऑन कर सकते हैं और दूध को बॉयल होने तक, उबाल आने तक इसको गर्म करेंगे। हमारे दूध में उबाल आ चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे इसको। हमारा दूध बिल्कुल फट गया, देखिए। अब इसको छान लेंगे। यहाँ पर मैंने एक सूती कपड़ा लिया, जाली ली है, जाली के ऊपर इस सूती कपड़ा रख देंगे। इसके ऊपर इस दूध को छानेंगे, दूध को छान लेंगे। पानी डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा, ताकि विनेगर का जो खट्टापन है वो भी निकल जाए और हमारा पनीर ठंडा भी हो जाए। अब इस चारों कोनों को अच्छे से पकड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे। अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल देंगे। सारा पानी अच्छे से निकल गया। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन करके इसको ऐसे, और इस पर कोई भारी चीज रख देंगे। मैं ये चकला इसके ऊपर रख रही हूँ। आधा घंटे के लिए इसको ऐसे दबा के छोड़ देंगे। आधा घंटे के लिए इसको ऐसे दबा के हम रख देंगे, हमारा पनीर बनकर तैयार हो जाएंगे। आधा घंटा हो गया, आइए देखते हैं पनीर। हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया, हमारा पनीर बनकर तैयार है। आप इसको अपने मनपसंद पीसेज में काट के कोई भी डिश में यूज कीजिए। घर पर पनीर बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बनाइए और आपके जो भी अनुभव मेरे चैनल पर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।